केदारनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थ यात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीने में भारी बर्फबारी होती है। इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यदि आप केवल चार धाम यात्रा यहाँ तक की केदारनाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं तो आप मंदिर खोलने की तिथि जानने की जरूरत है। केदारनाथ के मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया यानी आजा तीज बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर वर्ष इसी दिन के आधार पर केदारनाथ के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि घोषणा करते हैं। इस साल 2024 में 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। इसी दिन से चार धाम की यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिर के विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग की सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो आप ट्रैक करें, यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा करते हैं तो आप पौड़ी पालकी भी बुक करा सकते हैं, या पाटा से हेलीकॉप्टर की उपलब्ध हेली सेवा का विकल्प चुन सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यदि यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर बस से भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग की यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश समान बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से 216 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ट्रैक की दूरी 21 किलोमीटर है। दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार या ऋषिकेश से बस विकल्प चुन सकते हैं। राज परिवहन की बहुत सारी बसें और साथ ही निजी तौर पर डीलक्स व वेल्गो बसें भी गतंगों के बीच चलती है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब व टैक्सी का किराया भी ले सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका हेलीकॉप्टर से है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से भी उपलब्ध है। देहरादून से केदारनाथ हेलीकॉप्टर लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। यदि आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर की शटल सेवा का विकल्प चुन रहे हैं तो फाटा से केदारनाथ के लिए शटल सेवा आपका एक दोनों तरफ का लगभग 5,000 रुपये के बीच में खर्चा होने वाला है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान करके घी से अभिषेक किया जाता है, फिर दियों का और मंत्र के जाप के द्वारा आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होते हैं और दर्शन के लिए सुबह गर्भ गर्भ में प्रवेश करते हैं। दोपहर के 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है। इस दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इसका दर्शन ही कर सकते हैं। और रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा का क्रम में प्रातः पूजन, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघ रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि पूजा होती है। चलिए दोस्तों, हम केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। इस मंदिर की नींव सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण के तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। और दोस्तों, स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने गोत्र हत्या और गुर हत्या के पाप को छुटकारा पाने के लिए श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे, इस शस्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है बिना केदार खंड के जाए। यदि आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो तुम लोग वहां जाओ, निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब वहां मृत होने से मनुष्य शुक रूप हो जाता है, यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद
जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप सिक्के क्षमा के लिए मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाई को से छुपने के लिए काशी छोड़कर एक बैल का रूप धारण कर लिया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अंततः जब पांडवों ने उनके पहचान लिया तो उसने धरती गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य भाग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए, केदारनाथ में कुबड़, मध्य मदेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई देता है। वर्तमान मंदिर और आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया है, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप एक अच्छे नागरिक आकार में हों, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन ट्रैक लगता है। इसलिए आपको दूरी तय करने के लिए अच्छी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। चूँकि मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अनुकूलन भी एक मुद्दा बन सकता है। सुनिश्चित करें कि आप इस तीर्थ यात्रा को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जॉगिंग या तेज चलना शुरू कर दें। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के महीनों में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, अंडरवियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आज पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत ही जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा आप टोपी, धूप का चश्मा और स्किन लोशन भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत ही कठोर हो सकती है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आप वॉकिंग पोल और टॉर्च भी अपने साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही केदारनाथ यात्रा से संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में जय केदार लिखना न भूलिएगा। अगर आपको ये चाहे वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हर हर महादेव।